वेल हेलो व्यूअर्स, जागरूकता में आज हम आपको एक नया अपडेट देते हैं कि इंडिया ने 53 और चाइनीज ऐप बैन कर दी हैं, मगर ये खबर नहीं है। खबर ये है कि इसमें गरेना फ्री फायर भी शामिल है, जो कि एक चाइनीज ऐप नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ये क्यों शामिल है। कंपनी वालों ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैं आपको बता दूं कि गरेना फ्री फायर पबजी के बैन होने के बाद इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ और वर्ल्ड में ये नंबर वन बैटल रॉयल ऐप बन गया, और ये सिंगापुर में बनी हुई ऐप है, और सिंगापुर ऑफकोर्स चाइना नहीं है। तो ये करीब एक महीने पहले पबजी ने गरेना फ्री फायर, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है, उस पर ये आरोप लगाया था कि वो कॉपी कर रही है पबजी के फीचर्स को, और उसने ये आरोप एप्पल और प्ले स्टोर पर भी लगाया था कि वो ये सब कुछ जानते हुए भी फ्री फायर को ये करने दे रहे हैं और बैन नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, अभी अभी ये खबर है, ताज़ा ताज़ा खबर है, और मुझे यकीन है कि जो पबजी के बाद फ्री फायर में जिन्होंने अपना मन लगाया था और फ्री फायर का अपना फैन बेस भी है, वो लोग बहुत ही अभी अपसेट होंगे इस खबर से। आगे जो भी अपडेट्स आएगा आपको जागरूकता में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उस पर भी आपको ये खबर मिल जाएगा। और आपको मैं ये अपडेट दे दूं कि पिछले साल 43 ऐप्स बैन किए गए थे, अभी ये ऐप अभी बैन किए गए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये ठीक हुआ, गलत हुआ? क्या लोगों को अपनी पसंद का गेम्स खेलना अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट कुछ भी कह दे अपनी तरफ से कि ये सिक्योर नहीं है? ऐसे बहुत सारे इंडियन ऐप्स भी हैं जो अननेसेसरी हमारे कॉल्स, एसएमएस और फोटोग्राफ्स का परमिशन मांगते हैं, जबकि उनका फीचर्स में ये मांगना ज़रूरी नहीं होता है। चलिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट पे डिस्कस करते हैं इस बारे में, और नमस्कार।